शुरू हुई राही की रसोई। तुम अब ये मत समझने लग जाना कि मैं तुम्हारी बहुत मिल जाएगी तुम्हारे जैसे शेफ। हाँ, मेरे जैसे शेफ बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो कितने ऑनेस्ट और कितने लॉयल होंगे गॉड नोस। लेकिन इस सबसे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये सब चीजें तो आपके लिए मैटर ही नहीं करती। जो इंसान अपनी माँ की वैल्यू नहीं कर सकता, उससे मैं क्या उम्मीद रखूं। प्यार के साथ है तकरार भी। प्लस के सीरियल अनुपमा में वही राही को जब जब मौका मिलता है वो अनुपमा की बेइज्जती करती है और इसी बात से प्रेम हो गया है नाराज। तभी तो देखिए कैसे वो अपनी नाराजगी आज राही से जाहिर कर रहा है। चलो फिर चलते हैं। नहीं बताना तो मना कर दो कि नहीं बताना, झूठ क्यों बोल रहे हो? बच्चों की लड़ाई शुरू। हाँ घर तो मैं जा रही हूँ, तुम्हें सच में नहीं बताना क्या हुआ? आपको क्यों जाना? क्यों? क्योंकि तुम मेरी कंपनी में काम करते हो और मुझे अपनी कंपनी में इस सड़ी में चेहरे नहीं देखने, वो भी पहले दिन। जाइए प्लीज। जाइए प्लीज, तो मुझे ऑर्डर्स दे। अरे तुम क्यों इतना चिढ़े हो, बताओ तो सही। क्योंकि मैं एक माँ को तकलीफ में नहीं देख सकता। हिंदी के बारे में बात करनी? बात मुझे भी आपसे नहीं करनी, लेकिन आपका ये बिहेवियर देख के बात करनी पड़ेगी। अनु मैम ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया? आपका गुस्सा, नफरत, बिहेवियर सब सहा, अपनी फैमिली के ताने तक सुने। आपने एक बार कंपनी का आधा हिस्सा मांगा, उन्होंने बेझिझक आपको दे दिया। आपने क्या किया? अनु की रसोई का नाम चेंज कर दिया। हाँ, राही की रसोई। बहुत अच्छा काम किया आपने। सॉरी मिस राही कपाडिया, लेकिन मैं आपकी जैसी लड़की के साथ काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभी इसी वक्त रिजाइन। तुम अब ये मत समझने लग जाना कि मैं तुम्हारी बहुत मिल जाएंगे तुम्हारे जैसे शेफ। हाँ, मेरे जैसे शेफ बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो कितने ऑनेस्ट और कितने लॉयल होंगे गॉड नोस। लेकिन इस सबसे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये सब चीजें तो आपके लिए मैटर ही नहीं करती। जो इंसान अपनी माँ की वैल्यू नहीं कर सकता, उससे मैं क्या उम्मीद रखूं। नहीं इतना ही नहीं, प्रेम ने तो राही के साथ काम करने से भी इनकार कर दिया है। सुनो, अब तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी मिन्नत कर। तुम्हारे जैसे बहुत शेफ मिल जाएंगे। हाँ, मेरे जैसे बहुत शेफ मिल जाएंगे, लेकिन वो कितने ऑनेस्ट और कितने लॉयल होंगे गॉड नोस। लेकिन आपको तो इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये सब चीजें तो आपके लिए मैटर करती ही नहीं। जो अनु की रसोई थी वो अनु और राही की रसोई हुई, और अब खाली राही की रसोई हुई। तो इसी बात से प्रेम को बहुत बुरा लगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें ठीक है। जैसे वो अपनी कंपनी में नए आइडियाज़ लाती है, तो प्रेम उससे बहुत इम्प्रेस भी हुआ था कि अरे यार क्या उसने सोचा। जैसे मसालों को उसने मना किया था कि उसमें हम प्रॉफिट नहीं देखेंगे। मसाले, खाना जो है लोगों तक वो प्रॉपर और अच्छा और स्वादिष्ट खाना जाएगा, बट जब कंपनी की जो बेसिक पॉलिसीज़ है जिस पे कंपनी खड़ी की है अनु मैम ने इतने वक्त से, तो अगर आप उसी से छेड़छाड़ करोगे और आप नाम ही बदल दोगे, तो प्रेम को तब गुस्सा आया कि यार मुझे माँ के लिए बुरा लग रहा है कि बाकी सब ठीक है, कि आप इस लेवल तक मत जाइए कि कल को मतलब आप अपने, वही कहते हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से मिक्स मत कीजिए। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि अपनी ईगो के चक्कर में आपने नाम ही बदल दिया। तो उसको लेके प्रेम ने रिएक्ट किया कि क्यों ऐसा किया, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं काम कर सकता यहाँ पर। और फिर अनु मैम ने मुझे बाद में रोका, इसके बाद कैसे रोका, फिर मैं मान गया और ये सब। तो ये सब एक आज हमने सीन किया जो कि थोड़ा सा एंग्री था। वो क्या होता है कि रोमांस जहाँ एक्चुअली क्या है, इसका मैं आपको एक अच्छे से समझाता हूँ कि जहाँ पर भी इंटेंसिटी होती है ना,
चाहे वो रोमांस हो चाहे वो एंगर हो, तो वहाँ पर हर तरह के इमोशंस आते हैं। अगर मैं बहुत रोमांटिक हूँ, मैं उसके साथ सपने देख रहा हूँ कि यार मैं इसके साथ लाइफ गुजारूँगा, तो एंगर भी उसका फिर उस लेवल का आएगा। और प्रेम ने तो ये बोला भी है एक सीन में कि मेरे को एंगर इशूज़ हैं, और वो एंगर इशूज़ क्यों हैं वो आपको आस्ता आस्ता जैसे स्टोरी डेवलप होगी आपको पता चलेगा। माँ से माँ का अपमान होते हुए वो क्यों नहीं देख सकता, वो भी आपको पता चलेगा कि उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, कि माँ का नाम सुनते ही वो इतना टची हो जाता है और इतना फिर वो सब कुछ भूल जाता है कि भाई जो मर्जी है मैं माँ की बेइज्जती नहीं सुन सकता, उसका अपना एक वो बैगेज लेके चल रहा है। तो वो आपको आस्ता आस्ता आप एक्सप्लोर करोगे। लेकिन जैसे तैसे अनुपमा ने प्रेम को यहाँ से जाने से रोक लिया, और भाई बस फिर क्या हो गई राही के रसोई की शुरुआत। और जरा देखिए तो कैसे यहाँ पर सभी नाच गाकर खाना बना रहे हैं और अपने काम को पूरा कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर पनप रही है राही और माही के बीच दुश्मनी। और जब भी इनको मौका मिलता है जरा देखिए कैसे एक दूसरे को ताने मारने लगते हैं। बिजनेस चलाने वाले में और कारीगर में बहुत फर्क होता है। मिठाई का बिजनेस चलाने वाला खुद बैठ के लड्डू नहीं बनाता। हाँ ठीक है, भले ही प्रेम ने खाना बनाया पर प्रमोशन मैंने की, क्लाइंट्स को मनाया मैंने। ओ रियली? तो अगर खाना अच्छा नहीं होता फिर भी क्लाइंट्स मान जाते? आपका अपनी पब्लिसिटी पे इतना ही भरोसा है ना, तो अपने हाथ का बना एक लड्डू बेच बताइए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये सब ना बिजनेस की बात है, तुम्हारी समझ से बिल्कुल आप बिजनेस की नहीं बेकार की बातें करो। अरे उसके लिए तो हो ना तुम हो, तुम्हारी अनुड़ी है। अगर टैलेंट ही सब कुछ होता, एक बात बताओ, अगर टैलेंट ही सब कुछ होता तो आज तुम क्यों घर? तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो, इतनी अच्छी हैंडमेड चूड़ी बना लेती हो, फिर भी तुम घर पे क्यों? खैर कभी अगर बिजनेस कैसे करते हैं सीखना हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं सीखता हूँ। भाई ये तो कम ड्रामा है, कहानी में और ड्रामा होने वाला है क्योंकि राही मारेगी बाग को थप्पड़। हालांकि ये थप्पड़ गलती से लगेगा लेकिन इसकी गूंज काफी दिनों तक सुनाई देगी। असल में अंश की बर्थडे पार्टी है और यहाँ पर फिर एक बार माही और राही के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई में हो जाता है ये तमाशा। तो भाई अब देखना होगा कि आखिर अनुपमा इन सारी चीजों को कैसे संभालती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही है ना, सास बहू और बेटियां।